नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भवदीप भाटिया और आज हम करेंगे वास्तु को। आज हम मैं आपको आज पूरा क्लियर करूंगा। काफी आपके कमेंट्स आ रहे थे वास्तु से संबंधित। आज पूरी डिस्क्रिप्शन मैं आपको सारी दूंगा कि आपको किस तरह से वास्तु को समझना है, वास्तु पुरुष क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी दिशाओं से क्या रेलिवेंट है, किन किन ग्रहों का। तो ये यहाँ पे भी ग्रहों का रोल आता है, पर वास्तु के लिए इतने वीडियोस हमारे को जरूरत नहीं पड़ेंगे। मैं आपको एक या दो वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद अभी हम एक आपके लिए और फैसिलिटी भी लेके आने वाले हैं कि जहां पर आप चाहें तो अपना एक ग्राफिकल अपने घर का बना के हमारे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आपको फैसिलिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो हम आपको वहीं पर ही आपको सारे जवाब देंगे। फॉर अक्रॉस द इंडिया, वर्ल्ड वाइड जो मेरे पास केसेस आते हैं उनके लिए एक्चुअली हमारे को करना पड़ रहा है। अर्लियर तो आई यूज टू विजिट, मैं पर्सनली विजिट करता था, परंतु अभी पर्सनल विजिट पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं पहले आपको वास्तु समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा 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 अगर जरूरत पड़े तो और वीडियोज के थ्रू भी वास्तु को फोकस करेंगे। मगर मुझे लगता है एक वीडियो हम कर लेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस गो अहेड। तो देखते हैं वास्तु। वास्तु के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर की होती है, ये वाटरी बेल्ट होती है। ठीक है, उत्तर के साथ ही जब उत्तर और पूरब के बीच में हम आएंगे तो वो बन जाता है उत्तर और पूरब। नोट कर लीजिएगा एक चीज, मैं जो तुम बता रहा हूं आप अपना कॉपी पेन लेके बैठेगा हमेशा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोण बनेगा, देखिए मैं एक दिशा करूंगा और एक डायरेक्शन, वन वन डायरेक्शन है अदर सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन यानी कोण। ठीक है, वो मैं समझाता जाऊंगा आपको। तो पहले मैंने उत्तर आपसे दिशा डिस्कस करी। उत्तर का जो मैंने बोला कुबेर जो उसके लॉर्ड होते हैं और वो धन से रिलेटेड दिशा होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिन घरों में धन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, समझ लीजिए वहां पर नॉर्थ का दिक्कत है या साउथ वहां पर जो है हल्का है, नॉर्थ वहां पर भारी होता है, इस तरह की दिक्कतें आती है। तो ये रहे नॉर्थ। नॉर्थ यहां तक क्लियर हुआ, वाटरी बेल्ट है सारी, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण कोना होता है, जिसको हम बोलते हैं ईशान कोण। राइट, नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान कोण। नोट कर लीजिए, ये गुरु की बेल्ट होती है यानी कि जुपिटर की बेल्ट होती है, और ईशान कोण जो होता है बेसिकली ये हमारा बच्चों से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोण है। दूसरी बात, हमारी मेंटल पीस से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोण है। अगर आपके घर में शांति नहीं रहती, समझ लीजिए आपके घर में मेंटल पीस नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, या तो वहां पर कोई भारी चीज रखी है, कोई मशीनरी रखी है, या आपने मंदिर वहां पर नहीं बनाया है, या फिर उस जगह की सफाई नहीं होती है। तो मन की शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आपके पास है तो आपकी वर्क प्रोग्रेस अपने आप ही बहुत अच्छी चलेगी। तो घर में जो क्लेश रहते हैं तो वो भी सारा जो है ईशान कोण घर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना बहुत जरूरी है, आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, ना कि ना ही घर में बल्कि आप चाहे अपने वर्क प्लेस पे, फैक्ट्रीज में, सब जगह पे जो है आप जो है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जरूर रखें। ये जुपिटर की बेल्ट है, गुरु की बेल्ट है, ये आपके घर में आपके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी बुद्धि को भी सही दिशा में ड्राइव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे देव का वास होता है, और जिस घर में देव नहीं बसते वहां पर कभी शांति है, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में देव ही नहीं बसते तो वहां पर जो है प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक कोना हमने कवर किया, एक कोण हो गया हमारा। ठीक है, एक दिशा एक कोण कवर हुआ। अब आगे चलते हैं ईस्ट, पूर्व दिशा की तरफ चल रहे हैं अब हम। ये दिशा जो होती है सूर्य की दिशा होती है, राइट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नॉर्थ दिशा को, पूर्व दिशा को हमें हल्का रखना होता है हमेशा। कंपैरेटिवली हल्के से मेरा मतलब यह है कि जब हम सामान का रेशो देखेंगे, अगर आपने 10 सामान वहां पे रखे हैं तो आप इस दिशा में आपको 2 ही रखने हैं, और हो सके तो मैंने आपको जैसे बताया खाली रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आप दिशा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा है। सूर्य की दिशा जो होती है, सूर्य जो होता है आपके लिए, आपके लिए, आपकी कुंडली में भी कह सकते हैं और आपके घर में भी, अगर ये दिशा खराब है तो आपको अपयश बहुत जल्दी मिलेगा, आपको डिफेमेशन मिलेंगे। तो बेस्ट इज दैट कि आप इस दिशा को नीट एंड क्लीन रखें। यहां पर ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो ये फायर की बेल्ट है, ज्यादा से ज्यादा कई लोग यहाँ पे बाथरूम होते हैं, कई लोगों के मैंने देखे हैं मतलब टॉयलेट बन जाते हैं गलती से। तो मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पर केवल नहाने का तो प्रावधान रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर यदि आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर जो इसको टॉयलेट के पर्पज से यूज करते हैं स्पेस को, तो डेफिनेटली आपके आपको जो है अपयश मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम डिफेमेशन बोलते हैं या जिसको बोलते हैं आपकी बदनामी। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बेल्ट है। इसकी जो देखिए, वैसे तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लिखवाता जा रहा हूँ, नोट करते जाइए, फिर भी अगर मैं आपको लेटर और सुनर अभी देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज आज अगर कवर हो पाए तो मैं आपको इसके इलाज भी क्लियर करूंगा। धीरे धीरे इलाज है, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु के सारे इलाज हो सकते हैं।
बस थोड़ा सा चैनलाइज करना होता है। बेसिकली होता क्या है, वास्तविक एनर्जीज हैं कि विंड या कोई भी एनर्जीज हैं वो आई, वो किस तरह से आई, किस तरह से गई, उनका क्या हमारे घर के ऊपर जो है प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। अब एनर्जीज के अंदर आप सूर्य की लाइट भी बोल सकते हैं, एनर्जीज के अंदर हवा भी बोल सकते हैं, एनर्जीज के अंदर इवन तक आपकी पर्सनल एनर्जीज भी आप बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। ये सब वास्तु है, बेसिकली इसका जो संबंध होता है ये हमारे कॉस्मोस से संबंध है इसका सारा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको समझिए ध्यान से कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गलत दिशा में अगर गलत कंस्ट्रक्शन होगी ना तो उसके कहीं ना कहीं लेटर और सुनर नुकसान मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी समझिए, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं सर हमारी दक्षिणमुखी दुकान है, कई सालों से दुकान है हमारा, आज तक क्या बिगड़ गया। भाई साहब आपका अभी बिगड़ा नहीं है, मगर लेट द राइट टाइम कम, जिस दिन आपके ग्रहों ने आपका साथ छोड़ा सबसे पहले जो है आपको वास्तु उखाड़ के फेंक देगा वो भी जड़ से। मैंने अच्छे अच्छे उखड़ते देखे अपने 20 साल के तजुर्बों में, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर बेतुकी बातें जब मेरे सामने आती है तो कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विज्ञान को आप अननेसेसरी बिना नॉलेज लिए अगर चुनौती करेंगे तो वो जो है फिर वो कह लो कि आप अपनी ही हंसी बनवा रहे हैं और आप भी मतलब कह लीजिए कि उसके रिस्पॉन्सिबल है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा पूरब हो गया, ईशान कोण हो गया, हमारा उत्तर हो गया, तीन हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं पूरब और ये वाला एरिया हमारा हो गया, हम पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। तो नॉर्थ और पश्चिम के बीच में, उत्तर यानी पश्चिम के बीच में जो आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो हमारा वायु कोण माना जाता है, यानी कि हमारा एयर का जो सोर्स है वो बेसिकली वायु कोण बोलते हैं उसको। और वायु कोण एक बहुत इंपॉर्टेंट कोण है, क्योंकि अब देखिए कई लोग मेरे पास आते हैं इस तरह के स्थिर लग्न के लोग होते हैं, स्थिर लग्न की कुंडलियां होती हैं, या फिर कह लीजिए कह रहे हैं सर हम अब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं। आप नॉर्थ वेस्ट में अपना सामान रखिए, उम्मीद है आपको उस डायरेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट में। कई लोग मेरे पास आते हैं ये कहते हैं कि सर बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप उत्तर पश्चिम दिशा में पियोनियों के फूल लगा दीजिए और बेटी का थोड़ा सा सामान ठीक है प्रतीक के रूप में वहां रख दीजिए, आपकी बिटिया की शादी तुरंत होने के आसार हो जाएंगे। डेफिनेटली कुंडली मैटर करती है, टाइम खराब चल रहा होगा किसी कारण से तो उसका एक अलग जो है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम चेक करते हैं। बट ये मैं आपसे वास्तु की बात कर रहा हूं, और ये जो कंसेप्ट है आपको सीधा लेमैन की तरह नहीं लगा देने, आपको इसके पीछे पूरी साइंटिफिक सारी चीजें समझनी भी होंगी, राइट। तो अब आगे चलते हैं, कुछ लोग मेरे पास ये आते हैं कि सर बच्चा जो है बच्चे का एडमिशन अब्रॉड कराना है, या बच्चे का एडमिशन जो हायर एजुकेशन की मैं आपको खासकर बात करूंगा यहाँ पे, जो बच्चे उत्तर पश्चिम दिशा में बैठ के पढ़ाई करते हैं डेफिनेटली उनके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो IIT JEE की तैयारी करना या AIEEE या इस तरह से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना तो आप नॉर्थ वेस्ट में करेंगे। वैसे तो पश्चिम दिशा भी स्टडीज का माना जाता है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी मानी जाती है, पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पर अपना बच्चे को सेटल कीजिए, वहां पर उसका टेबल चेयर लगाइए, पूरब दिशा में उसका फेस रखवाइए, उसको बोलिए बेटा यहाँ पे बैठ के आप पढ़ो, तो उसको बेहतरीन रिजल्ट उसमें मिलेंगे। और अब हम चलते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ वेस्ट कवर कर रहा हूँ तो मैं पश्चिम की तरफ भी थोड़ा सा कवर करूंगा। पश्चिम दिशा जो होती है बेसिकली शनि की होती है। अच्छा, वायु कौन को बोलते हैं, ये वरुण देव इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वायु वायव्य कोण को, और ये एयर का कौन होता है ये याद रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा ये चीज। अब हमारे शनि की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आ रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा ये हमें भारी रखनी है, ये हमेशा याद रख लीजिए, थंब रूल है। रेशो जब देखेंगे अगर 10 किलो सामान यहाँ पड़ा है तो दूसरी बेल्ट में पूरब और जो उत्तर की दिशाएं हैं उनमें सिर्फ 2 किलो 1 किलो और हो सके तो ना हो तो अच्छा है, क्लीन हो तो जितना अच्छा है, ठीक है ना। तो ये आपको करनी है सारी चीजें। पश्चिम दिशा बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, यहाँ के ऊपर यहाँ पे ही मतलब आप कह लीजिए यहाँ पे अगर आपके टॉयलेट्स होंगे तो ये घर के अंदर सबसे बेस्ट पोजिशन मानी जाती है आपके टॉयलेट्स के हिसाब से। पश्चिम दिशा में टॉयलेट हो सकते हैं आपके। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, अब बढ़ने जा रहे हैं, दक्षिण को भी थोड़ा कवरेज देंगे और फिर साउथ ईस्ट पे भी जाएंगे। तो दक्षिण अभी हम जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोण है, इसको बोलते हैं हम नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो होता है बेसिकली घर के लॉर्ड का कोण होता है, और ये जो नैऋत्य कोण जो होता है, देखिए मास्टर बेडरूम भी आपका पश्चिम में आ सकता है एज वेल एज आपका जो साउथ वेस्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कोण है, वो तो होता ही घर के लॉर्ड के लिए। आपके घर में बुजुर्ग है और घर के वो सबसे बड़े हैं तो आप उनको डेफिनेटली साउथ वेस्ट में रखिए, ना कि ये नहीं कि अभी आपकी शादी होगी तो आप जाके साउथ वेस्ट में सोने लग जाएं, तो उससे फिर चीजें डगमगाती गड़बड़ होती हैं, घर के अंदर एनर्जीज का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है।
इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। ये सारी सैद्धांतिक बातें हैं और प्राचीन में हमारे जो बुजुर्ग थे इनको फॉलो करते आए हैं, परंतु यह तो आप कह लीजिए कि पीछे अंग्रेजों ने यहाँ पे आके हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट किया। नालंदा 300 मतलब कितना 3 लाख से ज्यादा वहां पे जो किताबें थी सब फूक गया, हमारा पूरा कल्चर खत्म हो गया। तो ये सब हुआ है पीछे पास्ट में, हमारे कल्चर को बार बार खत्म करने की कोशिश की गई है। तो उन बातों को हम छोड़ें, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने नैऋत्य कोण को अब समझ लिया है, ये साउथ वेस्ट का कोण होता है और ये राहु की बेल्ट होती है। ठीक है, जैसे शनि की बेल्ट होती है, अब ये राहु की बेल्ट होती है। इसलिए इस बेल्ट में जितना भारी सामान होगा, बड़ा फर्स्ट क्लास बेड वेड एंड ऑल दैट, जितना इसको भारी रखेंगे उतना ही राहु जो ऐसा प्लेनेट है इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव देंगी। अब हम चले जाते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा आती है मंगल की दिशा। मंगल फिर से एक मैंने आपको वजह से बताया ही है, अब ये फायर वाली सारी बेल्ट शुरू होगी हमारी। पूरब था उधर से साउथ, साउथ के अंदर भी हमारा मास्टर बेडरूम आ सकता है। साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट जो है वो अवॉइड कीजिए। साउथ वेस्ट के अंदर या साउथ के अंदर अगर टॉयलेट्स आते हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते, वो जो घर के लॉर्ड होते हैं उनका फाइनेंशियल लॉस करवाते हैं। अक्सर घरों के अंदर ये देखा जाता है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है सिर्फ इस चक्कर में कि हमारे को अटैच्ड टॉयलेट या बाथरूम चाहिए, तो उस चक्कर में वो सारा जो है सत्यानाश हो जाता है और फाइनेंशियल लॉसेस जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो साउथ वेस्ट के अंदर आपको टॉयलेट नहीं रखना है, मास्टर बेडरूम रखना है, और साउथ के अंदर आपको अपना मास्टर बेडरूम आप रख सकते हैं, परंतु अग्नि कोण से फिर उसको आप बचाते हुए। तो मैंने आपको दो बेडरूम की जगह दे दी है, आपको वेस्ट दे, बल्कि तीन दे दिए, वेस्ट दे दिया आपको, साउथ वेस्ट दे दिया और साउथ दे दिया। तो घर में तीन कमरों से ज्यादा तो आप क्या ही करोगे आप। तो ये तीनों कोने उपयुक्त हैं आपके लिए, अगर आप इनको यूज करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉयलेट्स को आप पश्चिम दिशा में वैसे रख सकते हैं, वहां पे अटैच टॉयलेट की बहुत अच्छी संभावना है, और वेस्ट वाला जो टॉयलेट होगा उसके साथ आप नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट का जो है आप रख सकते हैं, एक ये ऑप्शन है आपके पास, इट इज अ गुड ऑप्शन, इसमें कोई नेगेटिव इतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बाकी फिर भी अगर गलत टॉयलेट्स होते हैं तो गलत टॉयलेट्स के लिए मैंने आपको अक्सर बताया है कि वास्तु शिव प्लस नाम का एक पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको यूज कीजिए अपने टॉयलेट्स में, अक्सर आप रख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्लियर है, पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इस तरह के होते हैं एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आजकल प्रोडक्ट्स वास्तु के अवेलेबल होते हैं, तो आप यूज कर लीजिएगा, वास्तु श्री प्लस नाम है। आगे चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कोना है घर का, जिसे हम बोलते हैं अग्निकोण, राइट। और अग्निकोण वैसे तो ये फायरी बेल्ट है, पर इसका जो नैसर्गिक जो लॉर्ड होता है वो शुक्र माना जाता है, परंतु अग्निकोण के अंदर हमारा किचन हो तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब साउथ ईस्ट के अंदर भी हमारी किचन की स्लैब इस तरह होनी चाहिए कि फेस हमारा, लेडीज जो खाना बनाती हैं या कोई भी कुक खाना बनाता है, उसका ईस्ट की तरफ हो तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। साउथ ईस्ट के अंदर भी जब डिविजनल वास्तु चेक करेंगे, लोग पूछते हैं पानी कहाँ रखें, आप डिविजनल वास्तु चेक कर लीजिए अपने जो किचन का सेंटर में खड़े होकर डिविजनल वास्तु कीजिए, वहां पे भी फिर जो नॉर्दर्न बेल्ट और आपके किचन की जो नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट है वहां पर अपना पानी का सिंक रख सकते हैं। मगर पानी की जो पूरे घर की जो प्लॉट की निकासी होती है, पानी की निकासी चाहे वो नहाने वाला, चाहे आपका ये टॉयलेट से संबंधित जो पानी होता है, तो ये सब सारा ही आपका जो है इसकी पानी की निकासी उत्तर या पूर्व दिशा से ही पाइप सारे बाहर जाने चाहिए। इसीलिए कंसेप्चुअली बोला जाता है कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो घर होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है कि दक्षिण और जो पश्चिम दिशा के उनमें थोड़े इश्यूज होते हैं, एनर्जीज जल्दी नेगेटिव आ जाती हैं। मगर यह है कि कवर जो है, कवरेज जो है उसकी दी जा सकती है, उपाय जो है वो किए जा सकते हैं। पश्चिम का अभी मैं आपको ये बताऊंगा सारी चीजें आने वाले वीडियोस के अंदर के, मतलब मान लीजिए दक्षिण मुखी है तो आप हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं घर के मेन गेट पे, तो उससे कंट्रोलिंग हो जाएगी, राइट। इसी तरह से पश्चिम की दिशा है। देखिए दोस्तों मैं आपको साथ साथ उपाय बताता जा रहा हूं, तो ये वीडियो लंबा जरूर जा रहा है पर आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा, आप एक बार इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको सारा वास्तु क्लियर रहेगा। पश्चिम की बात कर रहा था, पश्चिम का यदि गेट हो आपका पश्चिम दिशा के अंदर, तो काले घोड़े की नाल का उपयोग कीजिए, घोड़े का चित्र लगा दीजिए, उससे आपका जो है उस उधर से जो आने वाली नेगेटिव एनर्जीज है वो कंट्रोल हो जाती है। यहां तक की सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई है। अग्निकोण के अंदर ये सर्वेंट क्वार्टर्स भी आ सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। अक्सर कई मतलब बड़े लोगों का जैसे घर होता है तो वो पूछते हैं सर सर्वेंट क्वार्टर्स का बनाए, सर्वेंट क्वार्टर्स जो है आप साउथ ईस्ट के अंदर रखें, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और टॉयलेट्स अगर आपके किसी भी दिशा में गलत बने तो आप जो है मैंने आपको बताया वास्तुशील का इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्तुशील के घर में पोछे भी लगा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव दोष है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सारे जो है ये बता ही दिए। हाँ, पिरामिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है,
घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर अक्सर जो आप कह लीजिए कि कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो रखी है बाय द वे, तो आप उनको पिरामिड्स के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको हर एक दिशा के अंदर और हर एक जो है कोण के अंदर, यानी कि डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शंस के अंदर आप पिरामिड्स की प्रॉपर इंस्टॉलेशन कीजिए, उनको चार्ज करके उनको आप इंस्टॉल कर दीजिए, तो आपके घर के जो प्लॉट का जो है काफी हद तक आप कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि 80% जो है कवरेज जो है उससे पूरी हो जाती है। इसके अलावा यंत्रों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मान लीजिए आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसी समय हम जो है कुछ यंत्रों का उपयोग करके आपके घर की नींव में कुछ यंत्र दबवा सकते हैं, तो उससे भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको धीरे 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 क्लियर करूंगा, बिकॉज सब्जेक्ट तो वास्ट है, पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस वीडियो में आपको आज जितना हो सके सारी नॉलेज दूं वास्तु से संबंधित। और यदि अब आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, तो अगेन फिर से मेरे पेज पे आइए, मेरे ग्रुप पे आइए, डॉक्टर भवदीप भाटिया को फॉलो कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, और एज वेल एज मैं जो हूँ आपके अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, www.vastushreeplus.in के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, वहां पर भी आप आ सकते हैं, वहां पर भी मुझसे मिल सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर करते जाइए, साथ साथ में आपकी मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सारे डाउट्स को आपको जो है क्लैरिटी देता जाऊं, साथ साथ आपको सब चीज समझाता जाऊं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ और नॉलेजेबल बातें करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और अपनी जो लाइफ है उसको आसान बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आसान बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।